अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ आर आई न्यूज़ की एंकर पर्सन मलिक। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, चंद रोज़ पहले हमने आर आई न्यूज़ चैनल पे न्यूटर के बारे में एक खबर चलाई, जिसमें हकीकत से आगाह करते हुए बताया कि किस तरह वो फहाश वीडियोस बनाता था, लाइव गाली गलूच करता और खवातीन को बेवकूफ बनाता था। आर आई न्यूज़ पे जैसे ही खबर चलाई गई, आई जी पंजाब ने फौरन एक्शन लेते हुए कश्मीर पुलिस को आगाह किया और हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर इसे अरेस्ट किया जाए। इंतहाई अफसोस से कहा जाता है, एक मुस्लिम फहाश वीडियोस, गलत काम, धोखे और गाली गलौज से ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपने इस्लाम को भी दागदार कर रहा है। मगर हम मशहूर हैं आईजी पंजाब के कि उन्होंने ऐसे फहाश आदमी को गिरफ्तार करवा कर दुनिया को आगाह कर दिया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। साफी ज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी साहब ने भी आना था, डीएसपी साहब ने भी आना था। एसएसपी साहब अपनी मसरूफियत, सदर साहब चूँकि आए हुए हैं मेरे पास, इस वजह से नहीं आ सके। डीएसपी साहब भी किसी मजबूरी के तहत नहीं आए, इसलिए जो जो है इन्फॉर्मेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो आपके सामने रख रहे हैं। मोरहा 4 जनवरी 2023 को एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक बंदा एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये नटर नामी शख्स है जो आज़ाद कश्मीर डडियाल का रहने वाला है, और फेसबुक, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे इंतई नजेबा गुफ्तगू कर रहा है। इसी दौरान कलीमुल्लाह खान नामी बंदा जो डडियाल का रहशी है, उसने भी हमें थाने में आके दरख्वास्त दी। उसने भी बताया कि जी खादमाबाद में एक नटर नामी शख्स है जिसने आईडी टिकटॉक पे बनाई हुई है, वो इंतई बेहुदा और नजेबा गुफ्तगू करता है। उस पर हमने तहत जब्ता साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसको ट्रेस करते हुए नटर नामी शख्स को गिरफ्तार किया। नटर का असल नाम मलक अंबर आजम वल्द मोहम्मद आजम है, खादमाबाद अंकर रहता है। ये ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर भी है, तकरीबन 1990 से ये इंग्लैंड में ही रिहाइश पजीर है, आता जाता है। लास्ट टाइम ये आया था तकरीबन 6 माह हो गए उसको, जून जुलाई में आया था ये। इधर भी आके ये लाइव टिकटॉक पे लड़कियों से बेहुदा गुफ्तगू करता है। ये लड़कियां दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका, बांग्लादेश की रिहायशी हैं जो इसके साथ लाइव आके प्रोग्राम करती हैं और नजेबा किस्म की गुफ्तगू करती हैं। मलक अंबर आजम जो है, इसका फैमिली बैकग्राउंड, 3 शादियां की हुई हैं और तीनों बीवियां उसके इसी कामों की वजह से इलादा हैं। 8 बच्चे भी हैं इसके, जो भी इसी काम, नटर जो इसने आईडी अपनी बनाई हुई है बेहुदा गुफ्तगू की वजह से, वो इससे इख्तलाफ रखते हैं और वो इससे सेपरेट हैं, वो भी इंग्लैंड में ही रिहायश पजीर हैं। इसके अलावा इसके खिलाफ हमने 2 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं साइबर एक्ट के तहत। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जितनी भी सजा दिलवाई जाए सजा दिलवाएंगे। ये बता दें कि मस्जिद के इसका जो एक हुलिया दिखाया गया किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में, कुछ अमाम या मुफ्ती इस तरह की गलत से करते हैं सोशल मीडिया पे, कभी क्या गए? ये बेसिकली मैट्रिक पास है, इससे बाद ये ना किसी मदरसे में गया है ना किसी कॉलेज स्कूल में गया है। गेटअप इसने इस्लामी रखा हुआ था, क्योंकि मिलाद वगैरह भी करवाता था इससे पहले। किसी मदरसे में ये बज़ाब्ता पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही मुफ्ती है, ना ही किसी मस्जिद में इमाम रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक सोशल मीडिया पे वाकया हुआ। अंबर आजम मेरे साथ मौजूद है, नटो नामी आईडी चलाते थे। आज ये पुलिस ने मीडिया के सामने इनको लाया है और आज ये भी बताएंगे इस शोबे में जाने का इनका मतलब क्या था, आप क्या महसूस करते हैं, अदालतों का सामना करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, माफ़ी चाहते हैं। एक और भी सोशल मीडिया पे बातें सामने आई हैं कि मजहबी इनका भी एक कोई तल्लक था, मजहबी थे, इस मतलब भी पूछेंगे। जी अमर आजम साहब बताएं, ये अपने इस किए पे क्या नदामत है, क्या कहेंगे? जी जी, जो कुछ है जी, रसम असी मदद करने चीज जी, टोटल मतलब मुसलमान को सारा का बिल भी टैक्स पाने उसने फिर खर्चा करने आए जी, कोई गल नहीं करना ये जब कोई मामला सी है, बस जुमला चल रहा भी सड़क को गलती होगी, जिसने वजह सारे भरा दोस्त भाव जितने भी हैं उन्होंने को मदद करने हैं, किसी फल भी ठीक है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म है उसकी यूज़ करो, सू लड़ाई लड़ूई गाल गलोच होगी चाहिए, सारे को मदद करने इंशाल्लाह ये कोई वाक्य नहीं होने लगा, पहले जो है कोई चुकिया उसकी भी कोशिश करो डिलीट करी लो। नहीं, आप खुद डिलीट करेंगे अपनी जो आईडीज़, आपकी मुख्तलिफ फेक आईडीज़ आपने बनाई उस पर आप क्या करेंगे?
جس طرح ٹک ٹاک پہ آپ خود ہی اسے ریموو کریں گے نا جس طرح آپ نے جسے آپ لائیو آتے تھے کس سے آتے تھے آپ لائیو جی جی وہ آئی ڈی ان کے پاس ہی ہے وہ ہم نے اس پہ کچھ ویڈیو نہیں کی اچھا جو آپ کے بارے میں جی کہ آپ مفتی ہیں جی نا نا مفتی امتی کون نہیں ایسے سن 12 ربیع الاول سال کرانے میلاد کرانے نماز شاہ جو نارمل جی جس پہ عام بندہ پڑھنا داڑی چڑی رکھی ہوئی ہے جلائے اس نے ابھی رکھی کہ ادھر جانے پھر تھوڑی فٹ کری ہونے بس اس طرح معاملہ ہے مفتی اور بھی شروع ہوا یعنی باقاعدہ کسی دینی مدرسے میں وہ معلم یا اپنا ملک ہے اپنے ملک کی جتنے آزادی ہے فریڈم ہے اس طرح دنیا ممکن نہیں ہوتی ہے تو جڑا تو کم ہوا چلو اس کی مذہب نے حصہ نہیں بنایا یا اس نے مذہب نہیں کیا کارڈ استعمال نہیں کیا کوشش کرنا اپنی طرف جتنی نیکی کر سکا یا جتنی بھی تفریق ہے اللہ تعالیٰ بھی کرا فی الحال معذرت یہ جو ہوئی ہے اس کو تک نہیں یہ تو آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے عمر صاحب یہ ہم تو معاف کرنے والے نہیں آپ کو یہ معافی کوئی پولیس کی کسٹڈی کی وجہ نہ ہے یا واقعی اللہ کو توبہ ہے نہیں نہیں ماری اس تو پہلے بھی جی ماری ویڈیو ہے معافی نہیں ہوں اس تو پہلے بھی اپنی سارے اریسٹ نہیں کیا میں وہ بھی لائی ہوئی ہے وہ بھی ماری آئی ڈی تو باقی آئی ڈی میں سب کو کسی نے دے دیا تھا شاید پورا پہ ہی ہوئی لائی ہوئی ہو سکتی وہ بھی ہے یار تو خود سے حراست سے پہلے بھی یہ تھا سوشل میڈیا پر کچھ بھائی نے بندے سے نہ گال گلو شروع کی تھی اس نے اس بعد اسان بھی گال گلو شروع کو پھر کم زیادہ پکی گیا اس نے پر نہیں اس سے آمدن کا کوئی تھا کہ اس میں آپ کی آمدن اچھی خاصی تھی نہیں اس میں ٹک ٹاک سے جو آمدن تھی اس کی کتنی کتنی آمدن ہو جاتی ہے آپ کو آمدن اس نے جو ہونی کون ہے اس نے میچ اچھے پھر کھیلنے ہوتے اس نے جو نا پورٹس بن جانا اپنے آپ میں بن جانے نہیں حال ہی میں آپ کا $20,000 آئے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ کس طرح آئی آئے نا پھر اس کا طرح پیسوں کے لیے بھی کرتے رہے نا آپ جی پیسوں میں رہنے کی سب پیسے نا اللہ نے شکر ہے پہلے ٹھیک آپ برٹش نیشنل ہیں جی جی یو کے میں کیا بزنس کرتے ہیں موبائل فون کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈپورٹ کیا گیا کیا یہ درست ہے جی ایک اور ویڈیو آپ کی بالکل ننگی بے عہدہ قسم کی آپ بھاگ رہے ہیں روڈ پہ وہ آپ